इसमें हम ड्रोन मंगवाए हैं। अब इसको खोलिए आप, क्या निकला है? आलू निकला है। दोस्तों, इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है। कपड़ों से लेकर मोबाइल गैजेट तक सब ऑनलाइन मंगाया जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते चलन के साथ ही इससे जुड़े फ्रॉड के मामले भी बढ़ने लगे हैं। कई बार कस्टमर सामान कुछ मंगाते हैं और उनमें से कुछ और ही निकलता है। कई बार तो कुरियर बॉक्स में से पत्थर और आलू जैसी चीजें भी निकलती हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिनमें ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान लोगों के साथ हुए फ्रॉड कैमरे में कैद हो गए। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मिलते रहे ऐसे वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिहार के नालंदा में एक बंदे ने ड्रोन ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसके बाद ये डिलीवरी बॉय उसे ऑर्डर का पैकेट देने पहुंचाता है। लेकिन इस बंदे की सतर्कता देखिए, वो ये पैकेज उसी डिलीवरी बॉय को खोलने के लिए बोलता है, जिसके बाद जो होता है वो देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। इसमें हम ड्रोन मंगवाए हैं। तारीख कितना है? 25/9/2022। सही बता रहे हैं हम सब कुछ? ठीक है, अब इसको खोलिए आप। क्या निकला है? आलू निकला है। क्या निकला इसमें, आप बोलिए जोर से। आलू निकला है सर। आलू निकला है। रवि कुमार। रवि कुमार, आपका मैनेजर का नाम? तो देखा आपने, इस बंदे की समझदारी के चलते वो ऑनलाइन ठगी का शिकार होते होते बच गया। गनीमत रही कि उसने ये पार्सल खोलने से पहले ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, नहीं तो उसे ड्रोन का सपना पूरे करने की जगह आलू का भरता खाकर संतोष करना पड़ता। इसी तरह का एक कांड मुंबई की एक दुकान में भी रिकॉर्ड हो गया, जहां कस्टमर आईफोन खरीदता है और उसी दुकान पर खड़े होकर पैकेट की अनबॉक्सिंग करता है। लेकिन ये क्या, उस पैकेट में तो आईफोन की जगह नोकिया का फोन निकलता है। ठीक है भाई, स्कैम है। ठीक है, अरे बाप रे। ठीक है, क्या फोन नोकिया का फोन है क्या? वीडियो बनाया था। वो तो शुक्र है इस बंदे ने दुकान पर ही अनबॉक्सिंग की और इस स्कैम का वीडियो बना लिया। हम आपको भी आगाह करना चाहेंगे कि अगर आप भी ऑनलाइन चीजें मंगवाते हैं तो ऐसे से सावधान रहें, सतर्क रहें, नहीं तो सावधानी हटी और हुई ठगी। अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, उतनी बड़ी ऑनलाइन ठगी आपने कभी देखी ही नहीं होगी। ये ठगी 5-10 हजार की नहीं बल्कि 58 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। नागपुर में एक बिजनेसमैन के साथ उसी के दोस्त ने बड़ा जाल बिछाकर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए 58 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का चूना लगा दिया। जब पीड़ित दोस्त को यह स्कैम का पता चला तो उसने पैसे वापस मांगे, लेकिन खोटी नियत वाले दोस्त ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बिजनेसमैन ने पुलिस को शिकायत की और उस ठग के घर छापा मारा गया। इस छापेमारी में दगाबाज दोस्त के घर से 10 करोड़ रुपए नकद और 4 किलो सोना मिला, जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। इतने सारे नोट गिनने के लिए पुलिस को मशीन मंगवानी पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कहां का है ये तो नहीं पता, लेकिन ये इतना बताने के लिए काफी है कि कैसे डिलीवरी से पहले सामान में हेरा फेरी कर ली जाती है, जिसका खामियाजा कंपनी और कस्टमर दोनों को ही उठाना पड़ता है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या करो, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये सील पैक है, क्यों खुला है भाई ये? अरे सर, ये इसको चेक करा के देना, इसे सामान मिसिंग लग रहा था सर। वो कैसे मिसिंग लग रहा था, आपको कैसे पता लगा कि मिसिंग है सामान? इस पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है जी? देखिए यहाँ पर क्या ये आइटम लिखा हुआ, आइटम यहाँ पर ये लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें मिसिंग क्या लग रहा है आपको, क्या मिसिंग लग रहा है बताओ? ये इसमें दो आइटम लिखा हुआ। नहीं तो उसमें दो आइटम लगे तो आपको कैसे पता कि मिसिंग है उसमें? उसको चेक करा के देंगे। देखिए सर, अरे चेक करा के देंगे, मैं बोल रहा हूँ उसके घर के सामने चेक कराओगे कि यहाँ पे चेक कराओगे? कई लोग अक्सर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना बंद ही कर दो। ये फूड डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करने से पहले स्कूटी साइड लगाकर ऑर्डर किए खाने से थोड़ा खाना खा लेता है और उस जूठे खाने को दोबारा पैक कर बैग में रख देता है। ये वीडियो आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप जान सकें कि ऑनलाइन फूड के साथ क्या क्या होता है। दोस्तों,
लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड के कई तरीके इजाद कर रखे हैं। इनमें से एक तरीका है फर्जी डिलीवरी बॉय बनकर ऑर्डर कैंसिल करने का और ओटीपी मांगने का। ऐसे फर्जी डिलीवरी बॉय बड़ी कंपनियों के नाम पर आपसे कहते हैं कि आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, लेकिन आप जब इससे इनकार करते हैं तो वे कहते हैं कि अगर आपने ऑर्डर नहीं किया है तो उसे कैंसिल कर दो, और जैसे ही आप उसे कैंसिल करने का ओटीपी देते हैं वैसे ही आपके अकाउंट का सारा पैसा गायब हो जाता है। अवेयरनेस के लिए ये वीडियो देखें। हमारा नहीं है पार्सल भाई, नुकसान हो जाएगा तो हम क्या करें, नुकसान हो जाएगा, खाली मुली लेकर चला है, हमारा आटा भाई नहीं, तुम कैसे ले लेंगे? नहीं सर, आप अपने जो है फिर ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऑर्डर कैंसिल कैसे होगा, ऑर्डर तुम करो नहीं करो? सर देखिए ओटीपी आया भाई, ओटीपी आ गया भाई। कितना ओटीपी हमारा है? 78-24। क्या कुछ पूछा बताओगे, कहाँ से कैंसिल किया वो दिखाओ पहले। अरे हमारा एक ऐप होता है उसी से करते हैं, उसी से डिलीवरी लेते हैं, उसी से डिलीवरी देते हैं। ये भैया आपका नंबर बैंक में तो नहीं ऐड है? नहीं बैंक में ऐड है, बैंक में ऐड है, चेक कर लो, पैसा कट गया हमको लग रहा है। एक बार चेक कर लो, पैसे कट जाते हैं। हम कोई भी हो ठीक है, तुम एक काम कैंसिल क्या, इधर सीधे खड़े रहो ना, बता देंगे, धक्का किसको नहीं मारे, मोबाइल निकालो, क्या कैंसिल किया सेंस है हमारे में, वो सेंस हम देख रहे हैं तुम्हारा। काम करो, इसको भैया लो, इसको ओपन करो, ठीक है? कितने का पार्सल था, पैसा दे रहे, इसको खोलो। 780 रुपए कट गए, 780 रुपए कटे, ये देखो। चलिए भैया कैमरा बंद कीजिए पहले तो आप। कैमरा नहीं, मोबाइल, मोबाइल को मत छुओ ना, मोबाइल अगर लग गया मोबाइल में तो संभल लो। एक काम करो, इनसे ये पार्सल इधर जा, कहाँ दो, इधर रुको वो पार्सल इनको दो, चेक करो, चेक करो। खाना डिलीवरी कर रहे हो आजकल, क्या कर रहे हो, ये क्या कपड़े डिलीवरी कर रहे हो? दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो है ऐसे डिलीवरी बॉय बहुत से बंद करके कैंसिल करने को बोलते हैं, उसके बाद ओटीपी मांगते हैं, और आप जब ओटीपी देते हैं तो पूरा का पूरा पैसा आपके बैंक से साफ हो जाता है, तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। वैसे दोस्तों इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 5000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो इस बात पर अब भी ठोक दीजिए अपना लाइक। आजकल आए दिन लोगों को फ्रॉड कॉल्स आते ही रहते हैं, जिनमें सामने वाला कभी आपको लोन तो कभी लॉटरी लगने की बात कहता है। ऐसा ही एक फ्रॉड कॉल इन दरोगा जी के पास आया, जिसके बाद इन्होंने उस बंदे से जो कहा वो बड़ा मजेदार है। 2 लाख रुपए का लोन पास हो गया, कितना जमा करना भैया? 3100। तो अब भाई तो बैंक तो जा ना पाए यार, और गूगल में हमारे 2700 पड़ा। गूगल पे कोई दुकान में जाके करवा सकते हैं सर, फोन पे गूगल पे कुछ भी करवा सकते हैं। दुकान वाला कर दे, गूगल पे कर देगा। क्या कर रहे हैं आप? अरे बाल बनवा रहे हैं भैया, सैलून में बैठे हैं। आपको फेस करना है, फेस करिए सर, नहीं तो आपको टेंशन किया जाता है। अरे रुको यार, कर रहे हैं, सुनो मेरी बात, आधा घंटा नहीं एक घंटा लग जाएगा, हम करे ले। तुम छोड़ो यार, तुम दाढ़ी वाली बनो, यही करो, हो गया। मानवता नाम की चीज नहीं, ऐसे मजे लेना चाहिए इनके, ऐसे ही मजे लेना, ठीक है? कोई उद्रा मुद्रा लोन, कोई किसी को लोन फोन नहीं दे रहा है। पूरा प्रमोद कुमार सिंह करके बना दिया है ये, और इनकी लोकेशन ऐसी होती है कि इनको पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन टाइप का होता है। ये अपनी लोकेशन चेंज करते रहते हैं और सिम को ज्यादा देर तक यूज नहीं करते हैं, इसको फर्जी तरीके से प्राप्त करके और उसको फिर नष्ट कर देते हैं। इस तरह से स्टाम्प दिखा करके लोगों को झांसे में लिया जा रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी परिचित की, किसी आपके दोस्त की गाढ़ी कमाई बच जाए, उसका भला हो जाए। जय हिंद, सजग रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद। आजकल हर छोटी छोटी चीज के लिए लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करते हैं, लेकिन कुछ शातिर लोग इतने बदमाश होते हैं कि सामान भी खरीद लेते हैं और डुप्लीकेट पेमेंट ऐप से डुप्लीकेट पेमेंट करके पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज दिखा देते हैं, लेकिन असल में पेमेंट रिसीव ही नहीं होता। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं तो एक बार उसे चेक जरूर कर लें। सतर्कता के लिए ये अवेयरनेस वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों ये एक लड़की है जो 3-4 बार आ चुकी है इस दुकान पे, पेमेंट करती है लेकिन पेमेंट रिसीव होता नहीं है। इनको भैया काफी परेशान थे, आज हमने इसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया है। देखिए ये पेमेंट कैसे करती है, रिसीव क्यों नहीं होता है। जो भी लोग ऑनलाइन लेन देन करते हैं ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए काफी जरूरी है, ध्यान से देखिए और सावधान सतर्क हो जाइए, नहीं तो आपका भी अच्छा खासा लॉस हो जाएगा।
ऑनलाइन पेमेंट क्यों खतरनाक है और क्यों सावधानी बरतनी चाहिए, इसको तो आज रंगे हाथों पकड़ेंगे और आप लोग को दिखाएंगे ये स्कैम कैसे होता। पता नहीं यार ये कितने दुकान वाले को लूटती होगी, हमेशा आती रहती है ना यहाँ पे। आपको आज इसी से पूछेंगे। पेमेंट कर दी भाई, आना बाहर आना बाहर आना। हेलो 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 मैडम, दिखाना कितने का पेमेंट किया। 1250 का पेमेंट। ये देखिए दोस्तों 1250। भैया एक बार चेक करना आप, बट आप कैमरा क्यों निकाल रहे हो। कैमरा कुछ नहीं, तो यहाँ काफी लेन देन होता रहता है ना, इसलिए खरीदारी के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बार ही चेक करना, पेमेंट रिसीव हो गया है। ट्रांजेक्शन का कोई मैसेज नहीं है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। इनका कहना है 3-4 बार पेमेंट कर चुकी हो, इनके दुकान से खरीदारी कर चुकी हो, लेकिन एक भी पेमेंट आया नहीं है। एक तो मिनट मैडम, आप मोबाइल तो स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार जा करके। हाँ, बैंक स्टेटमेंट वो मैसेज आता है ना इसमें, तो होता है बैंक। आप एक बार सामने रहिए, अभी 1250 रुपए का आपने किया है ना, फोन नहीं हटेगा मैडम। आप सामने रहिए। 3-4 बार आपने पेमेंट किया है इनको, और इनका कहना भैया एक भी पेमेंट नहीं आया है ना अभी तक। एक बड़ी पेमेंट नहीं आया है। और मुझे पता है कि ये सरासर स्कैम है, फ्रॉड है। अब आप करती कैसे हो, कैसे आपको पता ये फ्रॉड है। ये दुनिया में चल रहा है, यही सब चल रहा है। एक ऐप आता है, आप देखो ना, पेटीएम है ये। पेटीएम है ये। हाँ। ओके, आप एक बार इसको बैक करना। आप नाम भी देख लो, नाम भी तो आ गया सेकंड टाइम। हाँ हाँ, ये वाला आ गया ना। आपने स्कैन करके पे क्यों नहीं किया है। एक्चुअली मेरा कैमरा खराब है फोन का। अच्छा कैमरा खराब है, ओके ओके, कोई ना। आप एक बार मोबाइल यहाँ रख दो, आप मोबाइल रख दो ना। आप मैडम एक मिनट, आप बदमाशी, आप एक काम करो, मुझे टच क्यों कर रहे हैं। टच नहीं कर रहे हैं आप एक बार। पेमेंट भी नहीं आया आपका 1600। आप एक काम करो, इसको बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए। मैसेज भी नहीं आया ना, पेटीएम में आ रहा है। मैडम एक काम करो ना, अच्छा कूल डाउन। मैडम एक काम करो, आप इसको बैक कर दो एक बार। बैक करना एक बार। सॉरी नहीं, बैक क्यों, मैं अपना फोन आपको दिखाऊं बैक करके। मैं तो टच भी नहीं कर रहा ना आपके फोन को। आप यहाँ रख दीजिए, मुझे वहाँ से लाना। नहीं नहीं, आप यहाँ रख दीजिए फोन को। सॉरी, प्लीज आप ये दिखाइए कि आप ये जादू करती कैसे हो आखिर। आप दिखा, आप दिखाओ, आप इसको बैक करने के बाद। देखो गलती आपने की है, एक्सेप्ट कीजिए। और दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ये वीडियो, ताकि ओके सब खराब है, सब पता चल जाएगा। अभी आप थाना जाना पसंद करोगे, पुलिस के पास, या यहीं पे क्लियर करोगे। मैं बुला देती हूं ना पुलिस। आप बुलाओ। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज हर किसी तक पहुंचे। नॉर्मली बात कर रहे हैं ना आप। आप एक बार, दो ऑप्शन है आपके पास, पुलिस या फिर आप मामला यहीं रफा दफा करोगे। जल्दी बताओ, डरने की भी जरूरत नहीं है, आपने सामान लिया है तो आप पेमेंट करो। आप वो ऐप ओपन करो जिससे आपने पेमेंट किया है। दोस्तों वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि ऑनलाइन इस जमाने में ये वीडियो हर किसी तक पहुंचना काफी जरूरी है। ओके पेटीएम है ना, आपने पेटीएम से किया था। आपने क्या किया था सही सही दिखा दो, वरना मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा भाई। फोन छीन करके मैं दिखा दूंगा लोगों को, मुझे भी पता है इसके बारे में। सच सच बता दो आपने क्या किया है, उसके बाद आप बेशक यहाँ से चले जाना पेमेंट करके। किससे? ओके इस ऐप को खोल के दिखाइए ऐप। हाँ, पेमेंट आपने किया क्या है दोस्तों, देखिए ये एक ऐप होता है। यहाँ पे एक मिनट, आप साइड हो जाओ। यहाँ पे आप जिसका भी नाम डालोगे, जैसे NISHA निशांत डाल दिया। अब मैडम ने नाम पहले पूछ लिया था, इसलिए सावधानी बरती आप लोग। स्कैन करते समय नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है। फोन नंबर कुछ भी डाल दिया मान लो। एक मिनट मैडम, आप यहीं रहो। आप फोन छोड़ करके भी भाग रहे हो अपना, फोन भी ज्यादा कीमती है। यहाँ डाला और अमाउंट मान लो 1250 रुपए, टाइमिंग डाल दिया, ये डाल दिया, ये सबमिट किया। ये देखो मैंने भी कर दिया 1250 का पेमेंट। वाह यार, ये सब स्कैम फ्रॉड आजकल शोभा नहीं देता। आप लोगों को तो जागरूक करना चाहिए लोगों को। ये देखिए भैया, आप लोगों को भी बहुत सतर्क, जी आप लोगों को काफी सतर्क होकर के दुकानदारी करने की जरूरत है, नहीं तो ऐसा कितना लूट जाएगा। तो एक काम कीजिए, पिछला इनका देखिए कितना हिसाब है। मैडम यहीं खड़े रहो, पिछला कितना हिसाब हुआ था इनका ये देखिए, और चुपचाप से आप कैश में पेमेंट करके निकल जाइए। कैश मेरे पास है नहीं, तो मुझे एटीएम जाना होगा। कोई ना, एटीएम के बहाने आप भाग जाओगी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कार्ड पेमेंट, यहाँ मशीन है, एटीएम मशीन भी है, यहाँ पे कार्ड पेमेंट आप कर सकते हो। नहीं जा रहा ना, तुरंत
नहीं सामान आप ले कहाँ से जाओगी, पैसे रोक सकते हैं। मैं नहीं रोक रहा हूँ ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि पिछला हिसाब देखने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, वीडियो इसलिए बन रहा है मैडम कि लोग जाने आजकल क्या चल रहा है इस ऑनलाइन जमाने में। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो काफी ज्यादा सतर्क रहने के लिए, सामने देख रहा है ना उस ऐप से किया आपने ये फ्रॉड, नहीं तो और क्या बताओ। मैं चाहूँ तो अभी 420 का केस कर सकता हूँ आप पे, बट आप एक लड़की हो। अच्छा मैंने बदतमीजी किया, ओके ओके, ये वीडियो दुनिया देखेगी, सभी लोग देख रहे हैं। भैया हिसाब बताओ टोटल कितना हुआ, आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई बकझक नहीं कर रहा, आप कैश में पेमेंट कीजिए, अपना सामान लीजिए और जाइए। अरे मैडम अब सामने क्लियर हो गया कि आपने स्कैम किया है, उसके बाद भी स्टेटमेंट सारा का आता है। भैया एक मिनट, आप एग्जैक्टली और अब तो दुकान में वो भी स्पीकर भी लगा पड़ा है, रिसीव होते के साथ ही वो खुद बोल देता है। ओके ओके सब कुछ खराब है। आप मैडम आप एक बार एक्सेप्ट कर लो कि आपने गलती की है, पेमेंट कीजिए और चाहिए। भैया कितना हो गया, एटीएम नहीं जाना, कैश है आपके पास, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, सब पता है। आप अभी देंगी, आप अभी देंगी कैश? भैया पुलिस को फोन करो अभी, कैश तुरंत। 3,000 हो रहा है इसका, 3,000 हो रहा है जी। ओके चलिए 3,000, हाँ हाँ बहुत सही बात है मैडम, दीजिए वरना पुलिस। मैडम ज्यादा टाइम जरूरत नहीं है वेस्ट करने की, आप पैसे दीजिए और निकल जाइए इज्जत से, पैसे दीजिए। और अगर सामान ये लेना है तो आप लेकर के जाओ, अभी आपने जो भी कुछ लिया है, अदरवाइज इसको छोड़ करके जाओ। सब है इन फ्रॉड्स को दो ना आप यार, कितना है, 3,000 हो रहा है ना, चलो आप दो, बहुत अच्छी बात है। देखा बन ठन करके भाई लोग, ये लोग दुकान में यही सब कर रहे हैं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में घर जाने के लिए 100 रूपए मैं दे रहा हूँ आपको, घर जाने के लिए 100 रूपए मैं दे रहा हूँ आपको, नहीं तो सामान रख लो ना भैया, आप सामान रख लो, सामान 500 रूपए का सामान निकाल लो आप, सामान निकाल लेंगे। हाँ आप दीजिए भाड़ा के लिए 100 रूपए मैं देता हूँ आपको, चलिए फटाफट दीजिए और निकलिए। और आप कैमरे के सामने एक बात बोल के जाओ कि ऐसा अब किसी के साथ नहीं करोगी, वरना फिर बहुत बुरा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप जाइए। दोस्तों आजकल फ्रॉड करने वालों ने फ्रॉड करने का एक नया तरीका निकाल लिया है, इस जाल में कई सारे भोले भाले लोग फंस जाते हैं। इसमें फ्रॉड करने वाला व्यक्ति अचानक किसी शख्स के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद उसे फोन करके कहा जाता है कि आपके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर कर दिया है, प्लीज मुझे मेरा पैसा मेरे मोबाइल नंबर पर वापस ट्रांसफर कर दो। अब सामने वाला उसकी बातों में आकर जैसे ही उन बदमाशों को पैसा ट्रांसफर करता है, वैसे ही सामने वाले का अकाउंट हैक हो जाता है और उसका पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आए तो पहले से ही सतर्क रहिएगा। दोस्तों ये वीडियोस बनाने में हमें कई दिनों की मेहनत लगती है, तब जाकर ये वीडियो तैयार हो पाता है, इसलिए इन वीडियोस को देखकर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आप हमारे वीडियोस दिल से पसंद करते हैं तो हमें सुपर थैंक्स देकर सपोर्ट भी कर सकते हैं। भारत में ऑनलाइन स्कैम की बाढ़ सी आ गई है, साइबर ठग हर रोज नए नए तरीके अपनाकर ठगी कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि आप भी इस ठगी से बचना सीखें। आइए आपको कुछ टिप्स देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय इन्हें जरूर फॉलो करें। अगर आपके साथ किसी तरह की ऑनलाइन ठगी हुई है तो सबसे पहले उस ई कॉमर्स वेबसाइट के कस्टमर केयर को कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां दोनों देखती हैं। किसी भी तरह का ऑनलाइन स्कैम होते ही www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा आप कंज्यूमर मामलों की साइट consumerhelpline.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किसी जानी मानी ई कॉमर्स वेबसाइट से ही सामान खरीदें। अगर पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग करें तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुनें। ऑनलाइन ठगी और बैंक अकाउंट से जुड़े फ्रॉड के मामलों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 155260 पर की जा सकती है। अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो अपना बैंक अकाउंट और ट्रांजेक्शन डिटेल से संबंधित विवरण पुलिस को दें और जल्द से जल्द अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करके फ्रॉड हुए ट्रांजेक्शन पर
डिस्प्यूट या फिर चार्ज बैक का केस दर्ज करें। कई मामलों में पैसे रिकवर हो जाते हैं और कई मामलों में ऐसा कर पाना नामुमकिन भी हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।